कोलकाता में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में देश भर में रोष देखने को मिल रहा है। इस घटना के बाद से ही पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक के राज्यों में कई अस्पतालों में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। वहीं राजधानी रांची के बड़े अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने भी हड़ताल की घोषणा कर दी है। हालांकि मानवता को देखते हुए इमरजेंसी में लोगों का इलाज चल रहा है। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म कर हत्या का मामला सामने आया, जो देश के लोगों को झकझोर के रख देने वाला था। आज राजधानी रांची स्थित रिम्स में जूनियर डॉक्टरों के द्वारा आक्रोश प्रदर्शन किया गया। डॉक्टरों ने जमकर प्रदर्शन किया। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाने की मांग को लेकर डॉक्टर हाथ में वी डिमांड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते दिखे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पे माय ट्रिब्यूट टू द डिपार्टेड सोल। वी स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट सच अ हीनस एंड क्रूअल एक्ट व्हिच वाज डन टू आवर सीनियर डॉक्टर एट आरजीकर मेडिकल कॉलेज। देखिए, बात जो है वो साफ है, अगर हम अपने वर्क प्लेस में सेफ नहीं हैं तो फिर हम क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे सोसाइटी से, जिस सोसाइटी के लिए हम लोग 36 घंटे 48 घंटे जाग जाग कर रात रात भर दिन दिन भर हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं देते हैं, और उन्हीं के द्वारा अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो फिर क्या क्या कहना चाहेंगे हम। देखिए, हमारी जो मांग है वो सरकार और जनता से दोनों से है। हम चाहते हैं कि हमको सुरक्षित रखा जाए। देखिए, देश में विभिन्न राज्यों में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, जो कि झारखंड में नहीं है। हम चाहते हैं कि सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो यहाँ पे भी लागू हो, और जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं हॉस्पिटल में, जैसे कि सेमिनार हॉल या वॉशरूम्स, वो सेपरेट होने चाहिए मेल और फीमेल डॉक्टर्स के, और सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए वहाँ पे। जी, ऑलरेडी हम लोग अपने डायरेक्टर सर से मिल के आ रहे हैं, उन्होंने ये अश्योरेंस दिया है हमें कि वो गनमैन लगाएंगे यहाँ हॉस्पिटल में, और सीसीटीवी फुटेज 24/7 सीसीटीवी फुटेज की सुविधा रहेंगी। सीसीटीवी कैमरास के लिए टेंडर पास कर रहे हैं वो, और जो भी स्टेप्स लेने होंगे हमारी सुरक्षा के लिए वो उस पर काम करेंगे। जी, मेरा नाम आदित्य कुमार यादव है, मैं MBBS सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। तो पहले जो भी आरजी कॉलेज में हुआ है कोलकाता में, उसको लेकर जो इस महिला सुरक्षा को लेकर चीज़ है उसके लिए ये पेंड ऑन किया है। हमारी मांग है कि सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन बिल आना चाहिए जिसे हम प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि ये तो एक घटना है, ऐसी बहुत घटनाएं होते रहती हैं। साथ में आए दिन यहाँ पे डॉक्टरों के साथ मारपीट झड़प लोगों का होते रहता है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना सारा सर्विस बंद कर चुके हैं। ट्रॉमा सेंटर अभी भी खुला हुआ है, सिर्फ OPD बंद है, तो इमरजेंसी सर्विसेज अभी भी चल रहा है। और ये बात भी आप सोचिए कि अगर हम लोग कुछ ना करें, अगर हम लोग OPD बंद ना करें तो कौन सुनेगा? ये मैटर वापस से दब के रह जाएगा। हम लोग को कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसे सिर्फ शांत रहने से कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं सुनेगा। और आप हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम पेशेंट का सोचें, तो पेशेंट वाले उधर के साइड भी हमारा कभी नहीं सोचते ना। हम तो हमेशा ह्यूमैनिटी का लेकर ये सोचते हैं, हम हमेशा सर्व करना ही चाहते, बट वो लोग तो ऐसा नहीं करते, वो लोग तो सिर्फ अपना फ़ायदा देकर सोचते हैं। वो जो जिनके साथ भी ये दुर्घटना हुआ उनका क्या गलती था? वो तो अपना ड्यूटी कर रही थी, तो फिर वो रात में अगर ड्यूटी करने के बाद 2 बजे के बाद वो वहाँ पर रुक गई, तो फिर इसमें उनका गलती कि रात को वो घर नहीं गई? रात में तो सिक्योरिटी वैसे भी नहीं रहता है, वो अपना सेफ्टी देखेगी नहीं, तो वहाँ पे वो रुकी, उसके बाद भी वो सेफ नहीं, अपने ही जहाँ पे वो काम कर रही है वहाँ पे वो सेफ नहीं है, तो फिर आगे कहाँ सेफ रहेगी? मेरा नाम श्रुति स्नेह है। मेरा नाम प्रकृति पांडे।